बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ग्रीन चिली सॉस। इसके लिए हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं 250 ग्राम पाव। सबसे पहले आपने इनको ऊपर से ऐसे डंठल उतार लेने, और मिर्चें भी हमने ये मोटे छिलके वाली भी लेनी है, इससे पेस्ट बहुत अच्छा बनता है, और ये जो बारीक छिलके वाली हैं इससे तीखापन जो है वो आता है, जो हमारी चटनी में आएगा। तो इस तरह की आपने लेनी है। और इसके अलावा 2 चम्मच चाहिए हमें चीनी के, 2 खाने के चम्मच लहसुन के, 8-10 जवे ले लें, और 1 टुकड़ा 1 इंच का जो है वो अदरक का ले लें, 1 खाने का चम्मच नमक चाहिए, और 1 चाय का चम्मच जो है ज़ीरा चाहिए। सिरका जो है वो 1 कप का 1/4 हिस्सा चाहिए हमें, 1/4 हिस्सा हमने लेना। अगर आपके पास ये वाला कप नहीं है तो आम जो चाय जिसमें पीते हैं उसका 1/4 हिस्सा ले लें सिरके का। और पानी हमें चाहिए 1/2 कप। और इसके अलावा 1 खाने का चम्मच हमें ऑयल भी चाहिए होगा। सबसे पहले तो आपने मिर्चों को जो है धो के अच्छी तरह खुश्क कर लेना है, और उसके बाद इसकी डंठल ऊपर से उतार के इसको ऐसे 2-3 टुकड़ों में काट लें। ये देखें सब्ज मिर्चें हमने सारी काट ली हैं। 1 खाने का चम्मच हमने ऑयल ले लिया है, इसमें अब जीरा डाल दें। और साथ ही मिर्ची डाल दें। अब इसको हल्का सा हमने भून लेना है, ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा। लहसुन और ये भी डाल दें, अदरक, हल्का सा इसको करना है, ज़्यादा नहीं करना, इस तरह ना खराब हो जाए। आधा कप हमने पानी डाल दिया, और इसको हम ढक के पका लेंगे। ये देखें अभी हमने खोल के देखा है, इसको आपने 2 मिनट बंद रखना है, इसको आपने खोल के जो है पकाना है मुसलसल, इसको ऊपर ढकना नहीं रखना। फिर इसका जो पेस्ट होता है उसका कलर बहुत खूबसूरत आता है, अगर हम मुसलसल बंद रखेंगे तो फिर इसके कलर थोड़ा सा डल हो जाएगा। तो ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, पानी हमने बिल्कुल खुश्क कर लेना है, और फिर चूल्हा बंद कर देंगे। अब इसको ठंडा करके तो फिर हम आगे पकाते हैं। अब ये चूल्हा हमने बंद कर दिया, ये हल्की गर्म हो गई है, बिल्कुल ठंडी नहीं करनी, हल्की गर्म होनी चाहिए। इसमें चीनी डाल दें और नमक भी डाल दें। चूल्हा हमने बंद कर दिया है, ऐसे मिला के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें जब तक ये सही तरह ठंडा ना हो जाए। ये देखें हल्के से गर्म में हमने चीनी और नमक डाल के मिक्स करके रखा था, तो ये उसने थोड़ा सा पानी छोड़ा है, बाकी जो पानी हमने डाला था वो हमने खुश्क कर लिया। अब इसको हम कर लेंगे जग में डाल के। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा हमने मिक्स किया है, और आपने आधा सिरका जो है वो भी डालना है, फिर इसको मिक्स करना है, और फिर अब ये बाकी सिरका भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ये देखिए हमारी सब्ज़ मिर्चों का जो पेस्ट है वो तैयार है,
लेकिन आप इस तरह भी रख सकते हैं, लेकिन अगर गुजार जैसी आप करना चाहते हैं तो इसको, ये देखें हमारी सॉस तैयार है, लेकिन इसको हमने छाना नहीं है, छाने बगैर है। आधी हमने छाने बगैर एक टोरी में डाली है, और अब हम बताते हैं कि अगर आपने छान के इसको बनाना है, छान के इस्तेमाल करना है बिल्कुल बाजार जैसी जो होती है, तो उसके लिए आपको इसमें आपको दोबारा पानी डालना पड़ेगा और इसको हल करके दोबारा एक दफ़ा पकाना पड़ेगा अगर आपने इसको छानना है तो। देखें इसमें हमने आधा कप पानी डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया है, अब इसको हम छानेंगे। तो ये बासानी जो है छाना जाएगा। ये देखें हमने छान लिया, और ये जो इसमें से बचा है ये भी आप हांडी में डाल सकते हैं, और ज़ीरा और लहसुन अदरक अगर आप स्किप भी करना चाहें, खाली आप सब्ज़ मिर्च डालना चाहें तो वो भी आपकी मिर्च। अब इसको पैन में दोबारा डालें, इसको गाढ़ा होने तक पका लें। अब हम दोबारा इसको पका रहे हैं गाढ़ा होने तक। तो देखें सॉस हमारी गाढ़ी हो गई, बबल आना शुरू हो गए हैं, और अब इसको चेक कर लेते हैं चूल्हा बंद करके। किसी भी सॉस को आपने चेक करना हो तो ये देखें, ये देखें ऐसे डाल के प्लेट पे, अगर वो बिखरे नहीं और पानी ना उसके कतरे ना नीचे जाएं तो वो बिल्कुल तैयार है। ये देखें हमारी चिली सॉस तैयार है, ये हमने छान के ये बिल्कुल बाजार जैसी बन गया पेस्ट इसका, और ये जो है बगैर छाने हुए है। तो दोनों तरीक़ों से हमने आपको बता दी है, जैसे मर्ज़ी आप बनाएं, और इंशाल्लाह आपको पसंद आने वाली है। और इसके अलावा हमने जो है चिली सॉस बनाई है, टमाटो गार्लिक चिली सॉस भी बनाई है, और केचप भी हमने बनाई है। डिस्क्रिप्शन में जो है मैं लिंक दे दूंगी, आप वो भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। और उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, और आप हमारी वीडियो को पूरी देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।